सरायकेला जिले के पुलिस ने अवैध तरीके से मवेशियों को 5 अलग अलग ट्रकों में भरकर ले जाने के दौरान शुक्रवार की रात ट्रकों को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। यह सभी ट्रक उत्तर प्रदेश से चलकर सरायकेला जिले में प्रवेश किए थे, तभी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पूडी सिल्ली गाँव के पास जिला पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 5 ट्रक में खचाखच मवेशियों को भरकर अवैध तरीके से लाया जा रहा है, जिसके बाद सरायकेला SP आनंद प्रकाश के निर्देश पर कपाली, चांडिल और कांड्रा पुलिस की विशेष टीम गठित कर सभी ट्रकों को पकड़ा गया। हालांकि इस दौरान सभी 5 ट्रकों के चालक भागने में सफल रहे, जबकि एक ट्रक पर मौजूद एक खलासी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इधर सभी बरामद मवेशियों को ट्रकों में लादकर पुलिस द्वारा इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और आगे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इन सभी ट्रकों पर पश्चिम बंगाल का गाड़ी नंबर अंकित है। गुप्त सूचना मिला कि अवैध जानवर कसाई लोग ले जा रहा है, इस सूचना पर जाके छापामारी हुआ है, 5 ट्रक मिला है, जांच पड़ताल हो रहा है, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर की गाड़ी को कहाँ भेजा जा रहा है? अभी सुरक्षित कहीं रखा जाएगा। कौन से थाना क्षेत्र का घटना है सर? कपाली क्षेत्र में।